तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालने के एक लाजवाब तरीका, और वह होगा कुछ ही सेकंड में आप सीख सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहे। मैं आपका तिवारी सर, आप लोगों को फिर से आपका अपना परिवार career.com यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखना है कैसे कोई भी बड़े से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल सके, आसानी से निकाल सके, बिना मेहनत का निकाल सके। और इसीलिए हम लिखे हैं क्यूब रूट निकालना है, वो भी क्या कुछ सेकंड में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए करना क्या है। सिंपल सा, एक से लेकर दस तक का क्यूब याद रखना होगा, और हमको उम्मीद है कि एक से दस तक का क्यूब आपको याद होगा। एक का क्यूब 01, एक का क्यूब जो है वह होता है 01, दो का क्यूब जो है वह होता है 08, तीन का जो है 27, चार का 64, पांच का क्यूब है 125, छः का 216, सात का जो होता है ये 343 होता है, आठ का 512, नौ को अगर भूल जाओगे कभी मेरे यारों तो याद रखना 729, सात और दो जोड़ो कितना होता है 9, वह 9 का क्यूब होता है, और 10 का होता है 1000, ये 10 तक का क्यूब होता है। तो कोई भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना है तो ये 10 तक का क्यूब आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद जो चीजें बता रहे हैं उसको जरा समझना कि उसके बाद क्या करना है। एक छोटा सा सोचने के लिए एक बेस टाइप का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, उसको कहते हैं बेस। ये बेस क्या है कि अगर कोई संख्या एक है तो एक जो है वह एक से लेकर सात तक, 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेकर सात तक कोई भी संख्या आता हो उसका बेस वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए समझने के लिए, ये रट मत लेना, केवल समझ जाना, अभी सब भूल जाओगे। एक से लेकर सात तक कोई भी संख्या है उसका बेस वैल्यू 1 होता है। अगर हम बात करेंगे आठ का, तो आठ किसके परिवार का है, कहाँ का क्यूब होता है, दो का, तो दो का क्यूब 8 होता है, और ये होता है 26 तक। क्यों? क्योंकि 26 के बाद आता है 27, और 27 जैसे ही आता है तो दो को बोलता है भैया तू अब शांत हो जा, अब मेरे घर का है। तीन बोलता है 27 मेरे घर का, ये तब तक बॉस बन के रहता है जब तक इससे कोई बड़ा ना आ जाए। तो अब इस 27 से बड़ा कौन है, 64, तो 63 तक, 63 तक का बॉस यही रहेगा। कौन रहेगा, तो तीन रहेगा। फिर आता है चार के साथ, तो चार शुरू कहां से होता है, 64 से, और कहां तक चल जाता है, 124 तक। 124 तक क्यों, क्योंकि पांच का क्यूब 125 होता है, और पांच जो होता है 125 होता है, 125 जो है किसका क्यूब है, पांच का, तो डॉन कौन बन गया, 125 का मतलब पांच। तो पांच कब आएगा, पांच की एंट्री कब मारेगा, जब वह 125 से कोई बड़ी संख्या हो, 125 से कोई बड़ा हो, और उससे छोटा ले लो, 125 से बड़ा हो और 215 से छोटा, पांच का। तो बोले कि भैया जैसे ही 6 का एंट्री कब होगा, तो 216 से लेकर 342, क्यों, क्योंकि 7 जो होता है 343 से 511, 8 का अगर बात करो तो 512 से 728, और 9 का अगर हम बात करें तो 729 से लेकर 999, क्यों 99, क्योंकि 10 का जो होता हुआ 1000 से लेकर 1330, क्योंकि 11 का होता है 1331। तो ये देखिए 10 तक अगर हम याद किए हुए हैं तो आप चार डिजिट और तीन डिजिट यानी 7 अंक तक के संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और एग्जाम में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तंग आपको क्यूब रूट निकालना ही करेगा। आपको यकीन नहीं आता है, अभी आएगा, थोड़ा सा रुकते चलिए। आपके पास आता है एक क्वेश्चन आता, देखिए अगर आपको हम एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बोले कि भैया बताओ कि 6859 का क्यूब रूट क्या होगा, 6859 का क्यूब रूट क्या होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 6859 का घनमूल क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बचपन से एक तरीका सिखाया गया है, अब उसी तरीका पे आपको रहना है। क्या है वो तरीका, क्या है वो रूल, तो आपको एक रूल बताया गया है, 6859 को फैक्टर करेंगे। अब बता दो जरा 6859 किससे कटेगा, तो तुम्हारा माइंड में दो बार सोचोगे
कि भैया ये तीन से कटना चाहिए, तो तीन से कटने का रूल क्या है, दोनों को जोड़ना है, सात और आठ 14, पांच 19 और नौ 28, होता कितना है 27, तो तीन से तो कटेगा नहीं, नौ से नहीं कटेगा, तो कोई बोलेगा सात से कटेगा, फिर सात से भाग दे के देखोगे, नौ सत्ते 63 कितना बचा, 63 का मतलब पांच बचा, 55 7 जा 49 कितना बचा है, 49 और 55 6 से क्या हो गया 59, होता नहीं है, तो 7 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 2 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएगी एग्जाम हॉल पे बैठ के, तब याद कीजिएगा कि हम बोले थे कुछ सेकंड में क्यों रूट निकलेगा, और वह निकलेगा कैसे, इसी के लिए बेस बता रहे थे, जरा ध्यान दीजिए फिर से, अगर नींद सो गए हैं क्यूब रूट बनाने के चक्कर में एग्जाम हॉल में, तो ये वीडियो आपको आज के बाद सोने नहीं देगा, और कुछ ही सेकंड में आपको क्यूब रूट दिखाएगा बना के। आप एक क्वेश्चन को समझ के लाइए, और आपके जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो एक एक सेकंड पे आप क्यूब रूट बताते चलिएगा। बस करना क्या है, ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना हो, उस संख्या को दाएं तरफ से 3 अंक के बाद लाइन खींच लीजिए, दाएं तरफ से 3 अंक के बाद लाइन खींची, और उसके बाद देखिए लास्ट अंक 9, और ये बताइए कि कौन ऐसी संख्या है जिसको हम क्यूब करेंगे तो 9 आता है, तो बता तो जरा, आपको अभी हम बताए थे, देखिए एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 होता है, यानी 9 को 3 बार गुना करने से ही 9 आया होगा, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये वैल्यू 9 कब आया होगा, जब 9 को 3 बार गुना किए होंगे, तो इससे क्लियर हो गया इस संख्या का जो भी क्यूब रूट निकलेगा उसका लास्ट वैल्यू 9 ही होगा। अब इधर आइए, कौन सा संख्या बचा 6, कौन सा संख्या बचा है 6, आप बताइए, अभी हम एक बेस वैल्यू के बारे में चर्चा किए थे जिसमें आपको बोले थे 1 से लेकर 7 तक का बेस वैल्यू 1 होगा, 8 से 26 तक का बेस वैल्यू 2 होगा, तो आप समझ जाइए बेस वैल्यू क्या है। भैया देखिए यहां पर 1 से 7 के बीच ही ना कहीं 6 होगा, तो 6 का बेस वैल्यू कौन है 1, 6 का बेस वैल्यू कौन है 1, 1 से 7 के बीच 6 होगा, यानी 6 का बेस वैल्यू है 1, इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहां से 1 आएगा, और 1 और 9 मिलकर क्या बनेगा 19 बनेगा, 19 बनेगा, और 19 गुना 19 गुना 19 तीन बार तुम किसी भी कैलकुलेटर से करके देखो, आपको 6859 मिलेगा, यानी 6859 किसका क्यूब रूट होगा तो 19 का क्यूब रूट होगा। समझ में आ गया बात। अब देखो इस चीज को और इजी बनाते हैं, समझने के लिए अब इजी बनाई, याद रखना यहां पर एक चीज देखो जो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक लास्ट में दिखाई दे तो 1 होगा, 4 लास्ट में दिखाई दे तो 4 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा, 0 है तो 0 होगा, बदलने वाली संख्या कौन है, बदलने वाली संख्या 2 है, कौन कौन याद कीजिए, अगर 2 रहेगा तो 8 लिखना है, और 8 रहेगा तो 2 लिखना है, 2 का क्यूब रूट में 8 होता है, 8 का क्यूब रूट में लास्ट में 2 होता है, देखिए 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 होगा, 2 अगर लास्ट में दिखाई दे तो 8 लिखना है, 8 अगर लास्ट में दिखाई दे तो 2 लिखना है, समझते चलिए, अगर 3 रहे तो 7 होगा, और 7 लिख रहे तो 3, यानी 7 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 7 होगा, और कभी भी 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 होगा, तो कभी भी किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने जाइए और लास्ट में अगर 3 दिखाई दिए तो आप 7 लिख दीजिए, और अगर किसी का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं लास्ट में 7 दिखाई दे रहा है तो आपको 3 लिखना है, 3 के जगह में क्या लिखना है 7 लिखना है, 7 के जगह में क्या लिखना है 3 लिखना है, 2 के जगह में क्या लिखना है 8 लिखना है, 8 के जगह में 2 लिखना है, बातें समझ में आ रहा है, 2 रहेगा तो क्या लिखना है 8, 8 रहेगा तो क्या लिखना है 2, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, समझ में आया, 2 का 8, 8 का 2, 3 रहे तो 7, 7 रहे तो 3, बाकी लास्ट में कुछ भी रहे वही उतार देना, 1 का 1 उतार देना है, 4 का 4 उतार देना, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, अब समझ में आ गया होगा, अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम क्यूब रूट बनाने का तैयारी पे हैं, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, और अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाए तो बड़ा आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था, 6859,
का क्यूब रूट। तीन के बाद लाइन खींचना है, नाइन है तो नाइन ही लिखेंगे, बदलने वाला कौन है, दो तीन सात आठ, बाकी बदलता नहीं, छह। आप बताए इसके लिए बेस देखना है नहीं देखना है, बताए एक का क्यूब कितना होता है, एक, दो का क्यूब आठ, यानी दो के घर में अभी गया नहीं, अभी तक एक के घर में है, इधर से एक लिख दीजिए, एक और नौ मिलकर उन्नीस हो गया, तो आपका क्यूब रूट इसका निकल गया। तो अब कोई भी संख्या का क्यूब रूट आप देख के कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे स्क्रीन बोर्ड पे दिया हुआ है कि देखिए 7408 7408 7408 तीन के बाद लाइन खींचिए, खींच दिए, आठ, आठ है तो क्या लिखेंगे, दो, क्यों, बदलने वाली संख्या कौन कौन है, दो तीन सात आठ, दो रहेगा तो आठ लिखेंगे, आठ रहेगा तो दो लिखेंगे। आप देखिए 74, अब बताइए तो जरा एक का क्यूब कितना होता है, एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, यानी 64 को पार कर गया। तो जब 64 को पार कर गया मतलब चार के घर में आ गया, तो चार और दो मिलकर कौन बन गया, 42 आंसर हो गया। यहां पे हम तो बता दिए ये क्वेश्चन को, नौ का क्या लिखिएगा, नौ लिखिएगा और छह के जगह में एक आएगा तो 19 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनेगा 24389, तो लिखिए 9 का तो 9 लिखना है, 9 चेंज, 24 फिर से बताइए, एक का क्यूब एक होता है, दो का आठ होता है, तीन का 27 होता है, यानी तीन के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी तक दो ही तक है, तो दो इधर से आएगा, दो और 9 मिलकर 29 हो जाएगा आपका आंसर। और अगर वीडियो को समझ में आ गया होगा, रूल को समझ में आ गया होगा, तो बिना पेन पेपर का बताइए 4913 का कितना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आप सही से देख रहे हैं, समझदार हैं आप, तो आप इसको जरूर बना लिए होंगे। बोलिएगा तीन का क्या लिखिएगा, सात, और चार का मतलब एक, एक और सात मिलकर 17 आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का मैथ्स में प्रॉब्लम हो, आप career.com के वेबसाइट, career.com के यूट्यूब के मैसेंजर में, या career.com के फेसबुक में, या career.com के व्हाट्सएप ग्रुप, या आपका career.com के टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको हम लोग उस क्वेश्चन का जवाब यूट्यूब के माध्यम से देंगे जरूर। नेक्स्ट कुछ संख्या और है जिसको आप बनाना है, आपको क्यूब रूट निकालना है, और उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से ये चार है, चार का तो चार ही लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। 262 क्यूब को याद कीजिए, एक का क्यूब एक होता है, दो का कितना होता है आठ, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125 और छह का 216, और यहाँ है कितना 262, यानी छह को पार कर गया, तो छह और चार मिलकर कितना हो गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अच्छा बताइए, हम बोले हैं कि क्यूब रूट कुछ सेकंडों में, आप बताइए इसमें सेकंड ही समय लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, तो आपकी क्यूब रूट आज के बाद कुछ ही सेकंडों में निकलेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 का क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा, और 389 343 किसका होता है, 7 का, तो 343 को पार कर गया है, 389 हो गया है, मतलब इधर से 7 आएगा, तो 7 और 3 मिलकर 73। उसके बाद देखिए 379, 9 का तो 9 लिखना है, अब 205, तो हम लोग अभी क्या देखे थे, 216 किसका होता है, 6 का, तो 6 से अभी कम है ये, 205 ही है, तो 205 ही नहीं, 5 के पास, 6 के पास ये गया नहीं है, 5 ही के पास है, 59। और लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, और बड़ी आसानी से बना सकते हो, देख के बनाना है, बिना पेन पेपर का बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि आपका बन गया होगा, और आंसर कितना आया होगा आप कमेंट्स बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं। ऐसे हम बताते हैं 5 का 5 होगा, और 614, तो किसका होगा भाई, 600 है, तो बताइए, कमेंट कीजिए, सोचिए, क्यूब आपको याद है, एक का क्यूब एक, दो का आठ, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छह का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, तो 729 के पास तो गया नहीं है ये, तो किसके पास है, आठ के पास, तो 8 और 5 मिलकर 85, ये आंसर हो गया है। जिसको जिसको क्यों, 9 का 729 होता है और यहाँ 600 ही है, तो 729 पार करेगा तब 9 के पास जाएगा, तो 9 के पास तो था नहीं, 8 ही के पास है। और
ये आसानी से हम इस क्यूब रूट को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट्स में, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको देखिए और आसानी से यूट्यूब में ही कमेंट कीजिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज का ये सेशन, आज का ये क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में हम फिर आगे आएंगे और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे रूल को बताते चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ क्यूब रूट के इस तरह के जितने भी बुक में आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके बनाने की कोशिश कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और प्रेम से एक बार अपने स्टाइल में बोलना है जोहार झारखंड।